ओके रोलिंग भाई स्टार्ट मैम काफ़ी पोस्टर अलग दिख रहा है क्या है दोस्ती के साइड इफेक्ट किस तरह की कहानी है इस फिल्म की आपके रोल के बारे में बता दूँगी तो आप देखेंगे आपके लिए दोस्ती के क्या मायने हैं दोस्ती के मायने हैं ऑलवेज बी पॉजिटिव और हमेशा उस इंसान के साथ खड़े रहो जिस जब उसको आपकी ज़रूरत है आप सुख में हो ना हो लेकिन दुख में हमेशा साथ रहो क्योंकि इंसान चला जाता है सिर्फ उसकी चीज़ें याद रह जाती हैं उसकी लैंग्वेज याद रह जाती है उसकी बोलचाल याद रह जाती है तो हमेशा दोस्ती के मायने यही होते हैं कि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है इसके अलावा कुछ नहीं ओके मैम जिसकी फिल्मों में काफ़ी ये मेकअप करना पड़ता है और आप काफ़ी ज़्यादा मेकअप कितना नहीं देती आप जो सुंदरता आप जैसी रहती है तो ये फिल्म में कैसे मैनेज किया आपने इस फिल्म में भी ऐसे मैनेज किया अपने आप हो गया अपने आप ओके लेट्स फिल्म के बारे में बात करना चाहिए फिल्म आप लाइन मार रहे हो मेरे ओके आप बहुत ही सुंदर है और काफ़ी आपकी साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है तो किस तरह की तैयारी की आज आपने पूरे दिन में पूरे दिन में मैंने कुछ तैयारी नहीं की सुबह सुबह उठी खाया पिया और फटाफट से नहा धो के और तैयार हो गई कि आप लोगों को इंटरव्यू दें ओके मैम जिसकी फिल्म से आप डेब्यू कर रहे हैं तो क्या आप सोच रहे हैं कि अभी आगे जाके किस तरह की फिल्म करने जा रहे हैं ये कॉमेडी हो गई है तो आगे जाके किस तरह की फिल्म कॉमेडी फिल्म इसमें आपको हर तरीके का नज़ारा मिलेगा इमोशनल भी है कॉमेडी भी है सीरियसनेस भी है सब है तो आपको सब देखने को मिलेगा और जहाँ तक रही आगे की मूवी का सवाल तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि रियल मुद्दों को लेके हैं रियल मुद्दे इट्स लाइक हमारे कल्चर को लेके हमारा नॉर्थ साइड को लेके तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभियान चला दिए जाते हैं लेकिन बाद में उन अभियानों पर ध्यान नहीं दिया जाता है एग्जैक्टली वे में कि चल क्या रहा है एक बार अभियान चलाने के बाद कोई उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता कि सीरियस वे में उसको आगे बढ़ाया भी जा रहा है नहीं बढ़ाया जा रहा है तो बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे हैं जिन पर आप मूवी बना सकते हो लेकिन नहीं बनाई जाती तो मुझे पता है क्यों नहीं बनाई जाती बिग बॉस 12 में मुझे सुरभि राणा बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि वो सीधा मुंह पे बोलती है जो बोलती है उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है और बहुत सारे कंटेस्टेंट अभी फिलहाल दौर में अच्छा खेल रहे हैं दीपिका भी बहुत अच्छा खेल रही है और अभी जो हमारी नई मेघा गई हैं वो भी बहुत अच्छा खेल रही हैं तो अभी सभी अच्छा खेल रहे हैं क्योंकि अभी आप वैसे भी कुछ नहीं बता सकते धीरे धीरे ही पता लगता है एग्जैक्टली कि होने वाला क्या है अभी कुछ नहीं बता सकते सर आपकी झलक लगती है जैसे आपकी बात थी पहले तो आई थिंक वो बहुत अच्छा कुछ ना कुछ हमारे बच्चों को खेलेगी जो लोग नहीं खेल पा रहे हैं बिकॉज इस गेम की आपको सभी को बताया जाता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो उसके बाद भी आप नहीं कि आप कमाएंगे सपना जी आने वाले समय में किस तरीके का किरदार करना पसंद करेंगी या आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि मुझे ऐसा करेक्टर मिले तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से निभा सकता हूँ राम से के पास जाना पड़ता है नहीं नहीं शाम राम से जो हॉरर फिल्म में बनाते हैं लेकिन ये तो एक हंसी मजाक की बात होगी लेकिन ना हम आपसे सीरियसली जानना चाहते हैं सीरियसली नोट पे आप जाना चाहते हैं तो अभी मुझे पता नहीं कौन सा कैरेक्टर पसंद है बट हाँ मुझे खुद पे स्टैंड लेना मतलब मैं जहाँ खुद खड़ी हूँ आई लव दिस मैं जो भी हूँ कैसी भी हूँ अपने ऊपर अपने दम पे खड़ी तो ऐसे ही ऐसा ही कैरेक्टर लोग जन्म जुटा बाहर आ गए कि मुझे किसी की पूछा ना अपन खबर किसका वेट कर रहा मैम दिस फिल्म विलिंग शो टू सलमान खान आप क्या स्क्रीनिंग होगी स्पेशल स्क्रीनिंग बिग बॉस 11 के सभी कंटेस्टेंट के लिए कुछ इस तरह का कोई प्लान है आपका बिग बॉस 11
11 की जो कंटेस्टेंट थे आपके, मनीष हो, हर्षा, शिल्पा हो, हिना हो, आप जितने भी थे, उनके लिए क्या स्पेशल स्क्रीनिंग होगी फिल्म के लिए या सलमान खान के लिए? स्क्रीनिंग फिल्म में आप दिखाना? देखिए, इनविटेशन हम सबको देंगे, अगर जिसका मन हो आइए, जिसका मन नहीं हो बिल्कुल मना है, किसी से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती इस तरह से। तो आपका मन है तो मोस्ट वेलकम, और आपका मन नहीं है तो थैंक यू। प्रमोशन प्रमोशन कुछ स्पेशल मैम, इस मूवी में आपका रोल क्या है? बड़ी आधी लड़की है, जब उसकी सड़क की है तो हरियाणा और मतलब अच्छे पॉजिटिव आदमी के साथ कभी कैसी है कभी कैसी है। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Wow.